देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे रास्ते में। और ये माता बगलामुखी के मंदिर के रास्ता जाता है, उसके रास्ते में आएगा। मैंने पठानकोट से सुबह 8 बजे शुरू किया था और 12:30 के करीब मैं पहुँच गया। 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। अगर आप नहीं आ सकते तो आप मेरे साथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है मंदिर के बाहर का बाजार। हम देख सकते हैं बाजार दोस्तों, मंदिर बाहर से कुछ ऐसे दिखता है। आप देख सकते हैं तो ये बोर्ड लगा है जो बाहर मंदिर का बोर्ड, और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मंदिर जाने से पहले अपने जूते बाहर निकाल लेते हैं। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है जिससे मैं अंदर जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप सीढ़ियों के रास्ते से मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर हो रहा है हवन, आप देख सकते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे हवन अंदर हो रहे हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं माता बगलामुखी का जो मंदिर है, मेन मंदिर है वो इसी साइड है। और आप इसके साथ ही देख सकते हैं ये पूरे का पूरा मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ये मंदिर है। ये है माता का मंदिर। इस टाइम पे माता के मंदिर पे जो दीवार है वो बंद है। और ये बाहर का जो प्रांगण का मंदिर का प्रांगण है का नजारा है कुछ ऐसा। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। आज ना तो शनिवार है ना ही वीरवार है, और आप देख सकते हैं तब भी कितनी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं यहाँ पे। आगे आगे आपको मैं दिखाऊंगा, यज्ञ भी दिखाऊंगा, जैसे कि ये यज्ञ हो रहा है यहाँ। बगलामुखी मंदिर के मेन पंडित है वो, आप इसके इतिहास के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। पंडित जी आप बताना चाहेंगे इसके इतिहास के बारे में कुछ। महारानी का इतिहास इस प्रकार से है कि ये जो माता बगलामुखी है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और क्योंकि ये जो मंदिर के बारे में यहाँ पर पहले किसी को पता नहीं होता था, मैं यहाँ पर मुख्य पुजारी हूँ, जबकि मेरे को यहाँ पर 36 साल हो गए माता की आराधना करते इस मंदिर में। जब लोगों को पता नहीं होता था, आज से 20 साल पहले लोगों को पता नहीं था कि बगलामुखी मंदिर क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसका हवन क्या है, इसका पाठ क्या है, इसका यज्ञ क्या है, इसका तापन क्या है, किसी को भी कुछ पता नहीं होता था। तो एक बार माता ने सिलेंडर दिया यहाँ पर कि मेरे हवन स्टार कराओ, तो हमने यहाँ पर हवन स्टार करवाए। हवनों से जो लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा व्यापार शत्रु का भेद हो, तो यहाँ पर उससे करवाने से आज देश विदेश से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और भगवान रामचंद्र जी ने भी यहाँ पर बैठ के तप किया था इस माता बगला। महा रावण हारने बगलम की सत नाम में भी आता है इसका लेखा। और यहाँ पर वेदनाथ ने भी तप किया था इस माता बगलामुखी का, जब अश्वा भी लेके गया था लक्ष्मी जी पाने के लिए, तो हनुमान जी ने भी डाल दिया तब भी यहाँ पर वानर सेना। तो ये जो जितने पहले टेंपल था, ये सारा जो मंदिर था ये जमीन के भीतर में था। माता हरिचंद्र राजे ने इसका निर्माण कराया। जो मूर्ति थी वो बहुत प्राचीन मूर्ति थी, छोटा जैसा मंदिर था यहाँ पर। धीरे 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 जब लोगों को पता लगता गया, माता उनके काम सिद्ध करती गई, तो यहाँ पर माता रानी जी ने बड़ी कृपा रखी। हमारे राष्ट्रपति, देश विदेश के प्रधानमंत्री का भी हवन पाठ करवाया मैंने। तो मेरा नाम पंडित मनोहर लाल शर्मा, मुख्य पुजारी माँ बगलामुखी। जय माता दी, जय माता। डालते कहीं
ज्वालामुखी का मंदिर हिमाचल स्टेट में पड़ता है, ज़िला कांगड़ा पड़ेगा, और ये 100 किलोमीटर पड़ेगा आपको पठानकोट से। और दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो पहले आपको पठानकोट आना पड़ेगा, या फिर आप बाय एयर जा रहे हैं तो आपको गग्गल एयरपोर्ट पे भी उतर सकते हैं आप। बट अगर रोड से आ रहे हैं तो आपको पठानकोट होके आना पड़ेगा। यहाँ से ये 100 किलोमीटर पड़ेगा, 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है।